अस्सलामुअलैकुम सेफ सिटी टीवी के साथ मैं हूं मोहम्मद फाइक। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आईजी पंजाब शुएब दस्तगीर से नेवी के कमांडर सेंट्रल पंजाब और कमांडेंट वॉर कॉलेज रेयर एडमिरल मोहम्मद जुबैर शफीक की सीपीओ ऑफिस में मुलाकात। दौरान मुलाकात सूबे में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पंजाब पुलिस और पाक नेवी के दरमियान पेशा वाराना तआवुन और राबता कार बढ़ाने पर इतफाक़ राय भी हुआ। आईजी पंजाब ने कमांडर सेंट्रल पंजाब नेवी को पंजाब पुलिस के जदीद आईटी प्रोजेक्ट्स के मुतालिक आगाह किया। पंजाब पुलिस जराइम पेशा नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन के साथ साथ पब्लिक सर्विस डिलीवरी पर बतौर खास तवज्जो दे रही है। आईजी पंजाब रेयर एडमिरल मोहम्मद जुबैर शफीक ने अवामी सहूलत के लिए पंजाब पुलिस के जारी इकदाम को काबिले सताइश करार दिया। शहरियों को सहूलियत की फरामी और क्राइम फाइटिंग में जदीद टेक्नोलॉजी का मौसर इस्तेमाल वक्त की अहम जरूरत है। रेयर एडमिरल मोहम्मद जुबैर शफीक मुलाकात के इख्तिताम पर आईजी पंजाब और कमांडर सेंट्रल पंजाब नेवी के मबैन एजाजी सुवेनियर्स का तबादला भी किया गया। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी में डेटा प्राइवेसी के हवाले से कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। मुल्क के नामवर कानून दानों की कॉन्फ्रेंस में शिरकत। अथॉरिटी अफसरान की ब्रीफिंग। अथॉरिटी अफसरान का कहना है कि अथॉरिटी के कैमरों से हासिल होने वाला डेटा मुकम्मल तौर पर महफूज है। एमडी मलिक अली आमिर के मुताबिक ड्यूटी पर मामूर पुलिस कम्युनिकेशन अफसरान की डेटा तक रसाई महदूद और कवायद के मुताबिक है। शहर में नस्ब तमाम कैमरे सिर्फ अवामी मकामात की निगरानी करते हैं। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी अकबर नासिर खान का कहना है कि कैमरों के मखसूस एंगल की वजह से शहरियों की निजी मसरूफियात और रिहायशी इलाकों की फुटेज नहीं बनाई जा सकती। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी की सोशल मीडिया पर आगाही मुहिम जारी। शहरियों को एहतियाती तदाबीर बारे बताया गया। दुराने ड्राइविंग सड़क पर अगर कोई आपकी गाड़ी की विंड स्क्रीन पर अंडे या कोई लिक्विड नुमा चीज फेंके तो हरगिज अपनी गाड़ी के वाइपर्स और पानी का इस्तेमाल ना करें। रिक्शा ड्राइवर ने की रेड सिग्नल की खिलाफ वर्जी। सामना करना पड़ा संगीन नताइज का। रिक्शा रेड सिग्नल तोड़ते हुए आगे बढ़ा और गाड़ी से बुरी तरह टकरा गया। अपने साथ दूसरों की जिंदगी खतरे में ना डालें, रेड सिग्नल की पाबंदी करें। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज आकिल हसन चौहान का पुलिस स्टेशन दानेवाल का दौरा। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर विहारी अख्तर फारूक ने स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन के बारे में ब्रीफ किया। जज आकिल हसन चौहान ने कहा है कि आईजी पंजाब की थाना कल्चर में जदीद इस्लाहात और स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन का क्याम काबिले सताइश है। शहरियों को मेरिट पर इंसाफ की फरामी और तमाम सहूलियात एक ही छत के नीचे हासिल होंगी और अवाम में पुलिस का एतमाद बहाल होगा। उम्मीद है पूरे पंजाब के तमाम थाना जात को भी इसी तर्ज पर अपग्रेड किया जाएगा। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने थाना दानेवाल में विजिट के दौरान किया। वजीर खेल पंजाब राय तैमूर खान का अहम ऐलान। अंडर 18 नौजवानों को खेल से मुतालिक हर सहूलत फराहम की जाएगी। लाहौर में टेनिस कोर्ट बनाया जाएगा। आइंदा साल में एशियन टेनिस कप पाकिस्तान में कराने की नवीद भी दी। पाकिस्तान में पहली बार स्पोर्ट्स स्कूल बनेगा जिसका इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जल्द करेंगे। स्कूल में 9 उम्र खिलाड़ियों के लिए साइकोलॉजिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, डॉक्टर्स और इंटरनेशनल कोचेस मौजूद होंगे। खेल के साथ साथ नौजवानों को बुनियादी तालीम भी दी जाएगी। वजीर खेल राय तैमूर खान का कहना था कि पाकिस्तान खेलों में अपना खोया हुआ मुकाम दोबारा हासिल करेगा। रीजनल पुलिस ऑफिसर रावलपिंडी सुहेल हबीब ताजिक का दौरा चकवाल। जिला कौंसिल हॉल में मुनक्दा खुली कचहरी में अवामी मसाइल सुने। साइलीन की दादरसी के लिए मौके पर मुनासिब अहकामात जारी किए। आरपीओ सुहेल हबीब ताजिक का कहना है कि पुलिसिंग के दौरान इखलाक के दामन को कभी मत छोड़ें। उन्होंने ईमान मेडिकल अस्पताल का दौरा किया और चकवाल पुलिस के वेलफेयर के इकदाम की तारीफ की।
मुजफ्फरगढ़ थाना रोहेलना वाली पुलिस की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कामयाब कार्रवाई, नाजायज असलहा बरामद करके दो मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। SHO इकबाल बुजदार ने पुलिस टीम के हमराह मुख्तलिफ इलाकों से दो मशकूक अफराद को असलहे समेत गिरफ्तार कर लिया। DPO बक्कर फैसल गुलजार के जेर सदारत पुलिस लाइन्स बक्कर में दरबार का इनेकाद, पुलिस अफसरान और मुलाजमीन को हदायत जारी की गई और उनके मसाइल के हवाले से इस्तफसार किया गया। पुलिस वर्किंग की बेहतरी के लिए आला अफसरान का जूनियर अफसरान से राबता नागुजीर है। DPO बक्कर ने पुलिस जवानों को मेहनत और ईमानदारी से फराइज सर अंजाम देने की ताकीद की। अमन व अमान की सलामती, जराइम के खात्मे और जेर तफ्तीश मुकदमात की यकसुई के हवाले से बिलखसूस हदायत जारी की गई। ये थी अब तक की खबरें। मजीद अपडेट्स और खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.psca.tv।